भारत स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण वियतनाम को गिफ्ट के तौर पर देगा। यही नहीं, वियतनाम के सैनिकों को सबमरीन और फाइटर जेट ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने पर भी बात की गई है। वियतनाम के जवानों को साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कई चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल वियतनाम भारत का पुराना साझेदार है। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग जियांग भारत आए हैं। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका वेलकम करते हुए एक बड़े गिफ्ट का ऐलान किया है। वहीं वियतनाम ने भारत की सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। वियतनाम के रक्षा मंत्री ने भारत में DRDO हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। दरअसल चाइना का भारत ही नहीं कई पड़ोसी देशों के साथ जमीन को लेकर विवाद है। इसमें से एक देश वियतनाम है। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चाइना की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है। चाइना लगातार वियतनाम के इकोनॉमिक जोन में वॉरशिप्स भेजता रहता है। चाइना के आसपास के आइलैंड्स पर अपना दावा करने की वजह से क्षेत्र में तनाव बना रहता है। कुछ ऐसे ही चाइना भारत के साथ लगती सीमा पर भी करता है। वहीं इधर इंडिया वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास से रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है।